sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Hey guys, what's up? How are you all once again? Welcome back to the channel. It is a bright and sunny day here in New Hampshire. हम लोग बस वोमोंट के बाजू में है. कल रात आते आते हम लोग वोमोंट से यहाँ पे आए एंड राइट नाउ वी आर स्टेइंग एट अ प्लेस कॉल्ड जिंजर ब्रेड मैनर. ये मुझे एकदम लास्ट मिनट पे एयरबीएनबी पे मिला. जहाँ हमें जाना है उस जगह से ये बहुत पास पड़ता है, इसलिए ये एकदम परफेक्ट लोकेशन था. एंड वी आर गोइंग टू माउंट वॉशिंगटन टुडे. एंड माउंट वॉशिंगटन के बारे में कुछ बताओ तो, यू नो, इट्स लाइक जैसे अपने यहाँ पे बिफोर लेह लद्दाख वॉज पॉपुलराइज सो मच, रोहतांग पास का वो एकदम क्रेजीनेस था कि लाइक बस रोहतांग टॉप तक जाना है, वहाँ पर फ़ोटो खिंचाना है. माउंट वॉशिंगटन समथिंग लाइक दैट कि यू नो लाइक वहाँ का जो ऊपर का ड्राइव है दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. पहले काफ़ी सारे कार्स, यू नो, लाइक से 10 or 15 years अगो काफ़ी सारे कार्स नहीं कर पाते थे. एंड देर ऑल्सो फ्यू रिस्ट्रिक्शंस कि कुछ होंडा या अक्यूरा के कार्स अकॉर्डिंग टू देर वेबसाइट. सेक्सी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है बिकॉज एक तो ऑल व्हील ड्राइव एंड सेकंडली अगर ज़रूरत पड़े तो यू कैन ड्राइव इन मैनुअल ऑल्सो. ज़रूरत कब पड़ती है मैनुअल की, अगर आप नीचे उतर रहे हो तो यू नो लाइक यू नीड टू कम इन द लोअर गियर. जस्ट गो इन साइड क्विकली चेंज एंड देन वील लीव फॉर माउंट वॉशिंगटन. व्यू तो शायद आपने देख ही लिया होगा, मेरा तो दिन बन गया. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, बट जैसे ही मैंने ये व्यू देखा आज ड्रोन से आई वॉज लाइक worth it. This is one of the best views I've ever seen in a very long time. All right, so I'm all set and ready. मैं एक्चुअली जीन्स लाया था अपने, बट जीन्स के साथ बेल्ट लाना भूल गया. सो आई एम गोइंग टू वेयर माई ट्रैक्स अगेन एंड दीज ट्रैक्स आर रियली कम्फर्टेबल. अंदर से थोड़ा फ्लीस लाइनिंग जैसा भी है तो इसलिए ठंडी में अच्छा खासा काम आ जाता है. मेरे डैड ने स्पेशली पिक करके इंडिया से भेजा था एंड आई रियली लव इट. सो येस आई एम रेडी. अभी सिर्फ सामान भरना बाकी है गाड़ी में एंड फिर अपन निकलेंगे टूवर्ड्स माउंट वॉशिंगटन. आई एम सो एक्साइटेड. ओ साइली, लुकिंग गुड. थैंक यू साइली. एकदम प्रॉपर कपड़े पहन के आई यार. दुर्बा भी एक्चुअली मैं ही थोड़ा एकदम ऐसा. लुक एट दुर्बा. दुर्बा दुर्बा कमेंट डाउन बिलो इफ यू फील दुर्बा लुक्स लाइक परिणीति चोपड़ा. No! इसको खोलो, ये इसमें डालो, नंबर चेंज करके भूल जा. All right, so everything is done, photo session is done, and now it's finally time to leave. How's the temperature, Mitro? Dosto? Gaadi ka temperature? Huh? Very nice. Very nice. Haan, heated seats, maza aa gaya. Tere liye kya? Haan, na, kam karte abhi. Abhi bahut garam ho gaya. I'm gonna let the past be filled with smoke. I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried. चलते चलते हम लोग अभी बीच में रास्ते में मैकडी आ गया था. आई नो मैकडी बहुत हो रहा है बट अभी कैसा है ना कि इट्स ऑलरेडी 10. नहीं यहाँ है एक्चुअली लोकल, बट द ओनली थिंग इज वी जस्ट वांट अ क्विक पिकअप बिकॉज आगे लेट नहीं करना है बिकॉज आज ही अपने को घर पे वापस भी जाना है. माउंट वॉशिंगटन चढ़ने के लिए ऑलमोस्ट अभी कम से कम 40-45 minutes लगेंगे बिकॉज इट्स स्लो ड्राइव एंड यहाँ पे बहुत लोग हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऊपर ट्रैफिक भी हो सकता है. तो इसलिए हम डिसाइड किया वील जस्ट टू अ क्विक पिकअप. कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट मेन्यू में से कुछ ले लेंगे, एग मफिन वगैरह वैसा, एंड वील कंटिन्यू विद आवर जर्नी विदाउट सेटिंग इन. तो गाड़ी में ही खा लेंगे.
keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what. Okay, so literally ऐसा लग रहा है कि ये दिन काश खत्म ही ना हो, बिकॉज लाइक लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट द कलर ऑफ दिस ट्रीज. अभी तक हम लोग माउंट वॉशिंगटन पहुँचे नहीं. मैंने जस्ट आपको अभी जो माउंट वॉशिंगटन रोड दिखाया वहाँ पर लगने वाले, बट हम लोग यहाँ पे स्टोनी ब्रुक करके एक ट्रेल है वहाँ पर रुके हैं, बिकॉज यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे हैं. एंड माउंट वॉशिंगटन ऑटो रोड पर यू कैन नॉट फ्लाई द ड्रोन, तो इसलिए आई वाज लाइक कि यहाँ पे जितना मुझे जम रहा है मैं थोड़ा बहुत आपके लिए ड्रोन शॉट ले लेता हूँ, बिकॉज ऊपर जाके तो ले नहीं पाऊँगा एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक एनी लॉस, तो इसलिए यहाँ से कुछ शॉट्स एंजॉय करो. और दुर्बा ने मुझे इस साइड पे बुला लिया थोड़े फोटो वगैरह खींचने के लिए. एंड यहाँ पे एक मेपल का ट्री दिखा हमें, यहाँ सारे ही मेपल है. हाँ नहीं मतलब ऐसा एकदम पास में जिसको छू सकते हैं, जिसके पत्ते हम देख सकते हैं. मैं तोड़ूंगा नहीं, इस मैडम ने ऑलरेडी ये नीचे से उठाया ना. हाँ वेरी गुड, तोड़ना नहीं चाहिए, बस वैसे भी फॉल में गिरने वाले हैं, बट फिर भी देखा नहीं मैं देख. इट्स सो प्रीटी. ओके सो हो गए सारे फोटो सबके. नहीं मैंने बोला था वहाँ पे चलने के लिए. अरे रे एक्चुअली मैं सैली का वहाँ पे फोटो खींच रहा था, दुर्बा को वहाँ जाना था, तो वो करते करते टाइम बहुत ज़्यादा चला गया, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो अभी सीधा माउंट वॉशिंगटन चलते हैं. ओके सो अ लिटिल करेक्शन, $45 सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं है, एज इन सबके लिए नहीं है, इट्स कार एंड ड्राइवर और एडल्ट पैसेंजर्स के लिए 20-20 अलग. श्योर. ये अपने को मिला है आई क्लाइम माउंट वॉशिंगटन, ये बम्पर स्टिकर यहाँ पे आपको काफ़ी गाड़ियों में मिलता है. एंड येस नाउ वी स्टार्ट अवर जर्नी टू द टॉप. दिस इज वाई आई सो वॉन्टेड टू कम हियर सिंस जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी, एक्चुअली जिस दिन मैं यूएस आया था, जिस दिन मुझे इस माउंटेन के बारे में पता था, आई वाज लाइक जब मैं अपनी पहली खुद की गाड़ी लूंगा ना मैं यहाँ पे तो 100% आऊंगा. एंड वहाँ पे लिखा है माउंट वॉशिंगटन ऑटो रोड इज अ स्टीप नैरो माउंटेन रोड विथ नो गार्ड रेल्स, जैसे अपने इंडिया में माउंटेन्स होते थे, तो अपने को थोड़ी बहुत आदत है, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इवन 1%. अपने जुनैद भाई है, अगर आपको पता है मूर्तिलाल जुनैद, जिनके साथ मैं एक या दो बार ले जा चुका हूँ, ही ऑलवेज सेज रिस्पेक्ट द माउंटेन्स एंड डोंट यू नो लाइक ट्राई टू टेस्ट द माउंटेन्स, तो वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट द माउंटेन्स एंड enjoy this journey. I'm very excited. ओके सो वी आर ऑलरेडी अबव द ट्री लाइन, तो सारे झाड़ हमारे नीचे, अरे ये खिड़की क्यों बंद हो गया, एंड सारे झाड़ हमारे नीचे, एंड एज यू कैन सी वी आर एक्चुअली गोइंग इन द क्लाउड्स नाउ. एंड बाय द वे आप मेरे बाजू में देखोगे, यू कैन ब्रिंग दिस काइंड ऑफ पोलारिस का स्लिंग शॉट्स या फिर ATVs ऑल्सो. जस्ट इमेजिन ड्राइविंग राइडिंग अ ATV ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, एंड यहाँ पे पूरा विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो होने वाला है. एंड आप सामने देख सकते हो कि यू नो लाइक कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है सिर्फ आप बादलों के अंदर जा रहे हो लिटरली. Explains the headlight zone. Yes, कुछ नहीं, it's all white. And actually, Mount Washington is known for this kind of weather. कि मतलब ऐसा कभी भी change होता है, second में पलटता है, ऐसा वाला weather.
मेरा पार्किंग ऐसा लग रहा है बिल्कुल बादलों के बीच में पार्क करा है। वो एक्चुअली एक लेडी गाइड कर रही थी, वो एंड तक इतना एंड तक लेके गई, फिर हम लोग को लगा कि मतलब अरे घुस तो नहीं जाएंगे, फिर शीयर्स लेके नहीं, आई वोंट सेंड यू फ्रॉम लाइक डाउन, आई वोंट सेंड यू डाउन। तो अभी बस नीचे से यहाँ पे उतरेंगे, वी जस्ट गो टू द समिट। एक्चुअली दिस मतलब यहाँ पे आने का मेन रीजन वॉज द ड्राइव। ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो यू नो लाइक आप जाके देखो या कुछ ऐसा मतलब मंदिर वगैरह नहीं है, बट आपको बस यहाँ पे आने का ड्राइव का एक्सपीरियंस डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। अभी बस ऊपर समिट पे अगर ज़्यादा गर्दी नहीं होगी तो फोटो खिंचाएंगे, नहीं तो फिर विल स्टार्ट अ ड्राइव बैक सून। ये नीचे का नज़ारा और ये अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क, तो आप समझ सकते हो कि मेरी क्यों फट रही थी, बिकॉज इतना ही डिस्टेंस है। एनीवेज दिस इज द टॉप ऑफ माउंट वाशिंगटन, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं एंड वहाँ पे है समिट, तो ऊपर बस विल क्लाइंब अप, विल टेक सम फोटोज एंड लेट्स एक्सप्लोर अ बिट हियर। ऑलराइट, सो यहाँ पे फोटो सेशन हो गया, नाउ वी आर फाइनली हेडिंग टू द समिट एंड यहाँ से जो फोटोज आ रहे हैं मैं इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगा, टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम @ashishchandratra या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो ऊपर इफ यू वांट देयर वॉशरूम्स, ट्रेन भी जाता है, इट्स कॉल्ड आई थिंक माउंट वॉशिंगटन कॉग रेलवे, तो वो यहाँ पे जाता है, आपको जो पीछे दिख रहा होगा दैट इज़ दैट। एंड यहाँ पे ऊपर एक बोर्ड है ऑफ माउंट वॉशिंगटन समिट, तो उसके साथ फ़ोटो खींचने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हैं, तो प्रॉब्ली वी विल ऑल्सो गो बिकॉज अभी इतना आए हैं तो एक बार करना बनता है। एंड देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, किसी समथिंग कॉल्ड ट्रिप टॉप हाउस, आई डोंट नो एग्जैक्टली है क्या, बट वो ऊपर जाके पता चलेगा। पॉज एंड रीड दिस, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक, रेस्ट रूम एंड स्नैक बार है यहाँ पे, तो वी आर प्लानिंग टू गो अप ऑन द ऑब्जर्वेशन डेक फर्स्ट, वहाँ से देखने के लिए क्या क्या है। ऑलराइट, सो हियर वी आर एट द ऑब्जर्वेशन डेक एंड जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो ट्रेन की मैं बात कर रहा था द कॉग रेलवे, वो आपको जाते हुए दिखेगा मेरे पीछे बिल्कुल। एंड यहाँ से यू कैन सी जो फॉल वाले ट्रीज़ हैं ऑरेंज कलर के, वो सब नीचे हैं हमारे बिल्कुल, एंड उसके ऊपर बादलों की लाइन है एंड बादलों की लाइन के ऊपर है हम ऑन द समिट ऑफ माउंट वॉशिंगटन। ऑनेस्टली बताओ दिस इज़ अ डिफरेंट एब्सोल्युटली सरियल फीलिंग। जो इंडिया में मुझे माउंटेंस चढ़ने में ड्राइव अप करके जाने में मज़ा आता था, वही सेम मज़ा मुझे आ जाए एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी दैट टू आई गॉट टू डू इट इन माई ओन कार, तो फिर तो और भी मज़ा है। ये जो सामने आपको लाइन दिख रहा है That is the line to just take the photo with that one single board. So I don't think that was worth it. अपने को और भी करना है तो मैं वो लाइन में खड़ा नहीं रहने वाला, आई जस्ट गो। ठीक है, मतलब एक सादा बोर्ड ही है जिसमें लिखा है माउंट वॉशिंगटन समिट, तो वील एक्सप्लोर अ लिटिल मोर एंड देन लीव। जो रास्ता है वो है, ये अपना ट्रेन जा रहा है नीचे यहाँ पे, सो वो आपको गाड़ी वाला रास्ता दिखेगा एंड ये यहाँ से ट्रेन सीधा नीचे जा रहा है। मतलब ये ट्रेन जो भी मैकेनिज्म इंजीनियरिंग यूज़ करता है ब्रेकिंग करने के लिए, उसको तो हैट्स ऑफ है, मतलब जितना धीरे 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 जा रहा है एंड जो सीधा इंक्लाइन नीचे, इट इज़ अ रोलर कोस्टर, मतलब इतना इंक्लाइन वाला ट्रेन मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा। एंड ये क्या मस्त जगह मिली है, दो चेयर सामने, यहाँ पे आप अपना फायर प्लेस जो भी आग लगाना है लगा लो, मस्त व्यू एंजॉय करो। ये क्या मौका फ्रेपी, ये एक्चुअली टाइम है दुर्गा अदरक वाली चाय पीने का, ये मौका फ्रेपे का टाइम नहीं है, यहाँ पे टपरी वाली चाय मिलती है ना तो मज़ा आ जाता। यार मैं उतना चाय प्रेफर नहीं करती तो मैं इसलिए फिल्टर कॉफी बहुत, अदरक वाली कॉफी पी ले, छे फिल्टर कॉफी, ठीक है फिल्टर कॉफी, यस। तुझे क्या चाहिए? मुझे कटिंग चाय, कटिंग चाय अदरक वाली, अदरक नहीं लाई चाहिए। और सो वन थिंग दैट वी वॉन्ट टू चेक बिफोर लीविंग इज द गिफ्ट शॉप, कि यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, अगर कोई शर्ट्स मिलता है तो लोली सी शर्ट्स, अगर कोई ऐसा फ्रिज मैगनेट या कोई छोटा मोटा सुविनियर दिख जाए तो प्रॉब्लम चेक दैट आल्सो। मैंने ये वाला लिया, दिस इज द हुडी दैट आई गॉट, हाईएस्ट विंड एवर ऑब्जर्व्ड बाय मैन वाज रिकॉर्डेड हियर 231 miles per hour। आप कैलकुलेट कर लो 231 × 1.6 दैट इज किलोमीटर्स पर आवर, उतना ज़्यादा। और ये जो गाड़ी जा रहा है, तो अगर आपके पास खुद का गाड़ी नहीं है यू नो, या फिर इफ़ यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ ड्राइविंग ऑल द वे अप टू टॉप, बिकॉज आपने देखा कितना रिस्की लग रहा था व्हेन वी केम हियर, सो यू कैन जस्ट राइड इन दैट, तो वो आपको सीधा नीचे से ऊपर लेके आ जाएगा। तो यू नो लाइक अगर आपको थोड़ा फोबिया है हाइट्स का, इफ यू डोंट वांट टू ड्राइव तो यू कैन जस्ट डू दैट। ऑलराइट गाइस, सो वी आर बैक टू द कार एंड ये वाला जो व्लॉग है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, बिकॉज अभी आपने जितना देखा वो तो सिर्फ आधा है आज के दिन का, वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू डू अ लॉट मोर टुडे,
सो ये वाला व्लॉग यही खत्म करते हैं. मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट वन टू, बिकॉज नेक्स्ट वाले व्लॉग में एक और एक्साइटिंग चीज़ करने वाले हैं जो इसी लेवल का एक्साइटिंग होगा शायद. तो वो आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा हम लोग एक्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं. जो भी जैसा भी है, अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना. इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर सब्सक्राइब कर ही रहे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन जो कि बहुत जल्दी आने वाला है. टिल देन, stay safe, have fun, peace out from Mount Washington. Yeah.